हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? मैं हूं सपना मॉम। उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे। जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज है राधाष्टमी, तो आप सभी को राधाष्टमी की बहुत 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 बधाई हो। मैं नीचे आ गई पूजा करने नहा धो के, और मैं, रीना और हमारी नंद उषा दीदी और ये दोनों भाई, इन हम सब का फास्ट है आज राधाष्टमी का। तो इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं कान राधा भैया की, राधा रानी की चौकी रेडी कर लेती हूँ, उनके लिए भोग वगैरह लगा के फिर आपसे मिलती हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो इस वाले व्रत में ऐसा होता है कि टाइम कम होता है हमारे पास, क्योंकि ये 12 बजे दिन में पूरा हो जाता है व्रत। 12 बजे दिन में खोल लेते हैं सब व्रत। तो यहाँ मैंने ऊपर से आके कान्हा जी को नहलाया है, फटाफट स्नान कराया पंचामृत से, और उनको नए वस्त्र पहना के रेडी कराया अच्छी तरह जितना मेरे से हो पाया है। और ये राधा कृष्ण की मूर्ति, तो इसको मैंने अच्छे से साफ सुथरा करके और कान्हा जी को और राधा रानी को दोनों को चूड़ी पहनाई और बांसुरी कान्हा जी को और मुकुट वगैरह पहना के इस वाली मूर्ति को मैंने अच्छे से रेडी कराया है। और यहाँ पे लड्डू गोपाल को भी आप देख रहे हो मैंने रेडी कराया है। तो रेडी होने के बाद बहुत सुंदर लग रहे थे। उसके बाद मैं कैसे कैसे आगे मंदिर को तैयार करूँगी, उनकी चौकी तैयार करूँगी और कैसे उनका भोग लगाऊँगी, इस वाले व्लॉग में आपको राधाष्टमी के व्रत की पूरी डिटेल्स मिलेंगी। कैसे इस व्रत को करते हैं, कैसे रखते हैं और कैसे इसको कम्प्लीट करते हैं, जैसा हमने किया था, जैसा हमको पता है। और देखते रहिए आगे आप भी। तैयार हमारी राधा कृष्ण जो मैंने तैयार कर दी, अच्छे लग रहे हैं यहाँ रीना ने मिलके अपने कान्हा जी का। ये देखिए हमने अपने से ये माला वगैरह पहना के फ्रेश फ्रेश रेडी कर दिया। अब करते हैं हम पूजा, भोग लगाएंगे हम कान्हा जी का माखन मिश्री से और राधा का भी, और फिर केले से हम इनका भोग लगाएंगे। और अब हम जोत तैयार कर लेते, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और देखिए राधा कृष्ण कितने सुंदर लग रहे हैं। यह जोत काय पर रखेंगे अब नीचे? मैं तो नीचे कह रहा हूँ, ऊपर रखेगी जोत भी से। तो अभी जब तक हम हैं, जब तक रख लेते हैं, फिर नीचे रख लेंगे, है ना? लगा लो हाथ। और रुक जाओ थोड़ी देर। कितनी अच्छी लग रही है देखो। ये देखिए मंदिर अच्छी तरह से रेडी हो गया है। कान्हा जी का और राधा रानी का भोग कंप्लीट करके हमने टोटल चौकी तैयार करके उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा आपको। और मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत अच्छे से, मतलब सब कुछ इतने अच्छे से हुआ कि दिल में बहुत शांति हुई इस चीज़ को देख के। और अभी मैं रीना और उषा दीदी और माँ जी हम सब मिलके कर रहे हैं राधा रानी की आरती, तो आपको सुनवा देते हैं। मैंने इस वजह से वॉइस ओवर करा है क्योंकि आरती फ़ोन में चल रही थी, हम लोग भी साथ साथ में कर रहे थे, बट फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत सुनवा देती हूँ। और यहाँ सब कुछ करने के बाद, आरती वगैरह करने के बाद, फलहार से हमने राधा रानी का और कृष्ण जी का भोग लगाया है। तो उसके बाद मुझे चूड़ियाँ मिल गई राधा कृष्ण के साइज की, तो वो चूड़ियाँ मैंने राधा को और कृष्ण को पहना दी दोनों को, और वास्तव में बहुत सुंदर लग रही थी। आगे एक रील मैं आपके साथ शो करूँगी, उसमें कम्प्लीटली चूड़ियाँ वगैरह सब पहन रखी है, बहुत सुंदर लग रहे। तो ऐसे हमने इस व्रत की स्टार्टिंग करी, बैठा के नहला धुला के चौकी पे भोग लगा के। और यहाँ पे वॉइस ओवर, मैंने पूरे व्लॉग में मोस्टली आपको वॉइस ओवर मिलेगा क्योंकि इस पूरे व्लॉग में भजन चल रहे हैं साथ में।
और ये हलवा बन गया है। ये फ्रेश फ्रेश मक्खन निकाला है और ये अरबी की सब्जी, राधा रानी की अरबी की सब्जी बन रही है। और मिठाई हमने फ्रिज में रख दिया, तो जब बहुत पूरी थाल रेडी करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए फटाफट इस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अभी हम चलते नीचे, राधा रानी को भोग लगाएंगे, आरती वगैरह करेंगे और पेड़ तो लगते हो रहे। कोई बात ना, जैसे भी है। इसका काम है टक टक। तो ये पापा को बुला लो, मुझे जाना है। कल को आज तो है ही राधा अष्टमी, तो आज 12 बजे होगा ना मन का। सही हो गया ना वो खीर ना, जो मैंने चलाई राधा रानी के, है ना। और ये है दिन में 12 बजे जो हमने भोग लगाया था। हम थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि फर्स्ट टाइम था, इतनी हमें पता नहीं था, बट फिर भी हमने जितना, हम 12 बजे लगाना था बट एक डेढ़ का टाइम था, हाँ 1 बज गए थे और तब हमने भोग लगाया। तो इन सब चीज़ों से भोग लगाने के बाद हमने अपना व्रत कंप्लीट करा। व्लॉग के लास्ट में मैंने सारी डिटेल्स दी है इस व्रत के बारे में, जिन जिन को जाननी है व्लॉग एंड तक देखना और सुनना कि इस व्रत को करते कैसे है, पूरा कैसे होता है, क्या क्या बनाते हैं और क्या इस व्रत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अरवी की सब्ज़ी के बारे में बताया मैंने, इस व्रत में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है वो, तो वो आगे बताई है मैंने। तो आप लोग देखिए और बताना, और किस किस ने किया था वो भी बताना। नीचे देखा मंदिर में रखी है राधे रानी सभी। मैं आपको इस ब्लॉग के लास्ट में बताऊंगी इस ब्लॉग
व्रत का तो ये व्रत आता है जन्माष्टमी के 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, यानी कि शुक्ल पक्ष के अष्टमी को आता है ये। और ये राधा अष्टमी, इससे पहले हमने भी हमेशा जन्माष्टमी का व्रत किया है। इस बार ही पता तो हमको इसके बारे में लास्ट ईयर चल गया था, बट उस टाइम हमको इस व्रत के बारे में पता नहीं था करना कैसे है, बिना पते किसी भी चीज़ को नहीं करना चाहिए। तो अब हमें इसके बारे में अच्छे से पता चल गया है, तो इस बार हमने किया है। और जन्माष्टमी को कंप्लीट, जन्माष्टमी का व्रत तभी लगता है हमारा तब हम राधाष्टमी का व्रत करते हैं। और इस व्रत में ये व्रत सुबह के, ये मतलब सुबह स्टार्ट होकर दिन में 12 बजे ख़त्म होता है। इसका मतलब ये है कि सुबह जल्दी उठ के हमें स्नान करके कान्हा जी को और राधा रानी के, किसी के घर में राधा रानी की मूर्ति नहीं है तो वो राधा कृष्ण की मूर्ति जो होती है एक साथ उसको रख के भी पूजा कर सकते हैं। और किसी के घर में वो भी नहीं है तो लड्डू गोपाल को अच्छी तरह से रेडी करके श्रृंगार करके उसको बिठा के, राधा कृष्ण को एक ही माना जाता है तो उससे भी हम इसका व्रत पूरा कर सकते हैं। तो हमारे घर में राधा कृष्ण की मूर्ति थी और लड्डू गोपाल भी है, तो इस वजह से हमने लड्डू गोपाल को भी अच्छी तरह से रेडी किया था पंचामृत से स्नान करा के, और जो मूर्ति है उसको भी हमने अच्छे से जितना हमसे हो पाया था, वो ऑलरेडी डेकोरेट थी सारी, पर फिर भी हमारा फ़र्ज है कि हमको हम उसको अच्छे से करते तैयार। चूड़िया, बांसुरी और मुकुट वगैरह ये सब चीज़ें हमने उसे पहनाई, आपने देखा होगा इस व्लॉग में भी। और एक चीज़ और, इस वाले व्रत में सुबह 4 बजे हमें राधा रानी को स्नान करा के बिठाना होता है उनके सिंहासन पे, या फिर उनकी चौकी लगा के, अलग चौकी लगा के उनकी उस पे बिठा के, और वहाँ से हम इसकी पूजा स्टार्ट करते हैं। चौकी तैयार करके और हम फलहार से और माखन मिश्री से हम राधा रानी का और कृष्ण जी का भोग लगाते हैं। आरती सुन के 5 भजन या जितने भी हो सकते हैं, बहुत से लोग घर में कराते हैं कीर्तन, बट हमने ये सब चीज़ें नहीं करके हमने अपने फ़ोन में सुन लिए 5 भजन मंदिर में बैठ के, मैंने, रीना ने, छोटी नन ने और माँ जी ने, आपने देखा होगा व्लॉग में। तो वहाँ हमने 5 भजन सुनने के बाद फिर हम लोग ऊपर आए, हमने चाय वगैरह पी और जिस फल से हमने राधा रानी को भोग लगाया था वही हमने भी लिए, और उसके बाद तुरंत हमने जो भोग से हम व्रत खोलते हैं उस वाले भोग की तैयारी करी। उसमें हमने बनाया था अरवी की सब्जी, हलवा, पूरी और पेड़े, और एक मिठाई हमने भाई साहब से मंगवाई थी, और खीर और क्या और पूरी वगैरह ये सब चीज़ें बनाई थी। तो सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, कोई कितने भी भोग बना सकता है, पर हमने 7 बनाए थे। स्टार्टिंग है, शुरू में हमें जितना पता था हमने उतना ही करा है। और अरवी की सब्जी का बनाने का एक ही मतलब है, राधा रानी की सब्जी अरवी की सब्जी फेवरेट होती है, और खीर ऐसा बता जितना मुझे पता है कि अरवी की सब्जी और खीर राधा रानी की फेवरेट है, तो इस वजह से भोग में हमने उन चीज़ों को ज़रूर बनाया, चाहे कुछ चीज़ें बने किसी से नहीं बने, पर अरवी की सब्जी कहते कि ज़रूर बनानी चाहिए, तो इस वजह से हमने अरवी की सब्जी, खीर वगैरह टोटल 7 भोग बनाए। और दिन में 12 बजे हमने राधा रानी का भोग लगा के, आरती गा के, और ऐसे हमने अपना व्रत कंप्लीट करा। और मुझसे अलग किसी को और कुछ नॉलेज है, आपके वहाँ पे किसी और तरीके से होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मेरे को जितना पता था मैंने आपको बता दिया। ये व्रत सुबह से लेके और दिन में 12 बजे पूरा हो जाता है, और राधा अष्टमी। तो ये था मेरा राधा अष्टमी का व्लॉग, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपनी ओपिनियन भी ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।